फ्रेंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर सेकंड इन सिविक्स इक्वालिटी इक्वालिटी मीन्स समानता इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एज यू नो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में विश्वास करता है द की वैल्यूज ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंक्लूड पार्टिसिपेशंस ऑफ पीपल द ऑफ देयर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्स इक्वलिटी एंड जस्टिस जो हमारी डेमोक्रेसी या प्रजातान्त्रिक गवर्नेंस या प्रजातंत्रिक गवर्नेंस की जो वैल्यूज़ हैं उसमें इंक्लूड है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इट मीन्स कि लोगों का भागीदार होना लोगों का भाग लेना और उनके झगड़ों का निपटारा करना कॉन्फ्लिक्स या उनके डिस्प्यूट्स को का रिजोल्यूशन करना इक्वलिटी समानता और न्याय इक्वलिटी इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग एंड हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गवर्नमेंट इक्वलिटी या समानता केंद्र केंद्रीय डेमोक्रेसी या प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेसी की एक फी ऐसी फीचर है जो सभी एस्पेक्ट जो इसके फंक्शन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसको बहुत अधिक इंफ्लुएंस करती है और प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करती है नाउ वी टेक आवर फर्स्ट टॉपिक इक्वल राइट टू वोट लुक एट गिवन पिक्चर वॉट डू यू ऑब्जर्व आप इस पिक्चर को देखिए आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वॉट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम इट क्या कंक्लूजन निकल रहा है इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट इस पिक्चर में एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट दिखाया गया है सबके पास वोट देने का अधिकार है इन अ डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस कास्ट क्रीड और एजुकेशन डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक देश में जैसे की इंडिया में भारत में सभी सिटीजेंस को जो एटीन Years, या 18 साल से ऊपर हैं उन सभी को वोट देने का राइट है चाहे वो किसी भी धर्म जाति या शिक्षा से संबंधित हैं या शिक्षा को मानते हों दिस राइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड एन इसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज इस राइट को या इस अधिकार को हम मध्य अधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं जो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का एक एस्पेक्ट है नॉट ओनली दिस ईच इक्वल स्टेटस एज ईच ऑफ दैम हैज आर वोटिंग राइट सिर्फ इसमें ही नहीं हर एक सिटीजन में यहाँ पर इक्वल स्टेटस या ये लोग अपना इक्वल स्टेटस वोट देने का हर एक सिटीजन को इक्वल राइट right है वो चाहे वो किसी भी धर्म जाति को मानने वाला हो उसको वोट देने का समान अधिकार है नेक्स्ट टॉपिक इज अदर काइंड्स ऑफ इनइलिटीज दूसरी तरह की असमानता है देयर आर मैनी पीपल इन इंडिया हु एंजॉय एंजॉय द राइट टू वोट बट देर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस इंडिकेट ग्रॉस इन इक्वेलिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट देने के अधिकार को एंजॉय करते हैं बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो वहाँ पर समाज में उनको असमानता का समान सामना करना पड़ता है डू यू नो दैट कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द कॉमन फोन ऑफ़ इनिक्वेलिटी इन इंडिया क्या आप जानते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो यहाँ पर असमान भारत में असमानता का सामान्य रूप है इन अर्बन इंडिया द कास्ट सिस्टम हैज़ वीकेंड हाउ इफ यू लिव इन रूरल इंडिया यू विल एक्सपीरियंस दैट एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज बेस्ड ओनली ऑन द कास्ट ही इज़ बॉर्न इन यहाँ पर यद्यपि हम देखते हैं जो रूरल देहात में भारत के देहात में जो लोग रहते हैं जो अपनी इंडिविजुअल अपनी कास्ट अपनी पहचान बनाए हुए हैं अपनी जाति के रूप में यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है बट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया कंटिन्यू टू बी इन द माइंड ऑफ एजुकेटेड अर्बन पीपल अर्बन पॉपुलेशन टू स्पेशली इन मैटर्स कंसर्निंग मैरिज चाहे वो शिक्षित हैं अर्बन या कस्बों में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो भी स्पेशली मैरिज के टाइम पर इसको कंसर्न करती है देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ इनईक्वेलिटीज टू इनविच द लोअर कास्ट दल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पीपल आर ऑल्सो ट्रीटेड अनइक्वली एंड अनफेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन दे प्रैक्टिस क्लास बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम द फ्राम एंड जेंडर एज वेल एज वेदर दे आर मेल और फीमेल इसी तरह से सेम यहाँ पर पीपल्स हैं जो ट्रीट करते हैं असमानता को अनफेयरली इस बेसिस पर हैं क्लास बैकग्राउंड तो यहाँ पर वो जेंडर पर मेल हो चाहे फीमेल हो किसी भी जेंडर से रिलेटेड हो वहाँ पर उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल वेन इंडिविजुअल आर नॉट ट्रीटेड इक्वली जब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को इक्वली या समान रूप से हम ट्रीट नहीं करते हैं देयर डिग्निटी इज वायलेटेड उनको जो उनकी डिग्निटी है या उनकी पहचान है उसको वायलेट किया जाता है न व डी डिजर्व टू बी ट्रीट इट अनिक्वली कोई भी अनइक्वली या उस किसी को भी असमान रूप से या किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए एवरी वन डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी हर एक व्यक्ति सेम रेस्पेक्ट और डिग्निटी का को डिजर्व करता है लेट्स स्टडी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड its evil इम्पैक्ट ऑन the अफेक्टेड पीपल as एन an individual and सोसाइटी as a होल चलिए अब हम इसकी डिस्क्रिमिनेशन में क्या बुराइयाँ हैं उसका किस तरह से लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल में और पूरी सोसाइटी में आइए अब हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में